हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको VFD टू इंडक्शन मोटर, हम किस तरीके से इनके कनेक्शन, तो मैंने बेसिक कनेक्शन इसके किए हुए हैं, बाकी कनेक्शन तो मैं आपको समझाऊंगा ही। यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे फ़िलहाल मतलब कोई मैं एक्सटर्नल पुश बटन्स या फिर पोर्ट की हेल्प से यहाँ पे मैं इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे VFD के पैरामीटर्स वगैरह समझाऊंगा कि जो बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी सेटिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, और जो बेसिक कनेक्शन है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो वीडियो आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपका VFD से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर आप मुझसे PLC प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहाँ से PLC प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास CNC की एक सिंगल फेस VFD है। ओके, जब मैं सिंगल फेस VFD की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसको इनपुट हम लोग सिंगल फेस देंगे। ओके, देखो यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं हम लोगों के पास, LN और एक ये अर्थ का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लाइन वायर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अर्थ वायर कनेक्ट करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे ये भी किया हुआ नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे अर्थ वायर कनेक्ट करना चाहिए। ये हमारी MCV है एंड ये हमारा मैन इनपुट आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे इनपुट चेक करके दिखाऊँ तो यहाँ पे शायद टेस्टर में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन सप्लाई है एंड ये न्यूट्रल है। ओके, एंड यहाँ पे ये इसका आउटपुट है, और इसके आउटपुट को मैंने यहाँ पे VFD पे कनेक्ट किया हुआ है। और ये VFD क्या काम करेगा, ये सिंगल फेस इनपुट लेगा लगभग 220 वोल्ट के आसपास, एंड हमको थ्री फेस आउटपुट देगा लगभग 200-220 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम लोग दो फेस के बीच का वोल्टेज चेक करें तो हमको 200-220 वोल्ट के आसपास मिलेगा। एंड यहाँ पे ये जो मोटर है मेरे पास, ये 0.5 HP की है, और ये एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो UVW ये मैंने इसके कनेक्शन किए हुए हैं, एंड ये यहाँ पे मोटर के टर्मिनल्स में इसके अंदर कनेक्शन है। और अगर यहाँ पे मैं VFD के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी VFD है, ये 2.2 किलोवाट तक की आप लोग मोटर इससे रन करवा सकते हो। एंड इनपुट जो दोगे आप लोग इसको, वो AC सिंगल फेस दोगे 220 वोल्ट के आसपास, प्लस माइनस यहाँ पे 15% हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी 47 हर्ट्ज टू 63 हर्ट्ज इसके बीच में हो सकता है। आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पे AC थ्री फेस 0 वोल्ट टू 220 वोल्ट, आप लोग वेरी कर सकते हो। एंड यहाँ पे 9.6 एम्पियर तक का आपका जो आउटपुट जो लोड होगा वो आप लोग इससे कंट्रोल कर सकते हो। एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज से लेकर के और 400 हर्ट्ज तक आप लोग इसको वेरी कर सकते हो इसकी हेल्प से। ओके, तो क्योंकि ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है तो इसकी हेल्प से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग ये बताओ कि जो सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन लोगों को पता है कि सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो उससे आप लोगों को पता लगेगा कि जब हम लोग फ्रिक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ पोल्स, मोटर के नंबर ऑफ पोल्स को जब हम लोग वैरी करते हैं तो उसका स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, हालांकि ये जो हमारी मोटर है वो एक एसिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले तो मैं ये मैन ऑन करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैन ऑन करूँगा तो आपको यहाँ पे ब्लिंकिंग दिख रही होगी। ये 50 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो ब्लिंक कर रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी है। अभी ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। एंड यहाँ पे जो आपको ये साउंड अभी ऑन करने पे जो सुनाई दे रहा है वो यहाँ पे फ़ैन का साउंड है, जो कि यहाँ पे कूलिंग के लिए फ़ैन लगा हुआ है। अब मान के चलो कि मैं यहाँ पे अगर रन के इस बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारी मोटर यहाँ पे चालू हो जाएगी। ओके, ये चालू हो रही है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये लास्ट 50 हर्ट्ज तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इसका एक्सेलरेशन टाइम है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे अब देखो ये ऑफ भी बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल धीरे धीरे डाउन जा रही है और मोटर भी बिल्कुल धीरे धीरे ऑफ हो रही है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसमें जो डी एक्सेलरेशन टाइम डाला हुआ है वो डी एक्सेलरेशन टाइम कितना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज टू 0 एंड 0 टू 50 हर्ट्ज कितने टाइम में जाएगा वो एक्सेलरेशन जो 0 से 50 हर्ट्ज तक जो जाएगा वो एक्सेलरेशन टाइम है और जो 50 हर्ट्ज टू 0 हर्ट्ज आएगा वो इसका डी एक्सेलरेशन टाइम है। तो वो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में डाल सकते हैं। अगर मैं मान के चलो इसका एक्सेलरेशन टाइम बिल्कुल 1 सेकंड कर दूँ और 1 सेकंड ही इसका डी एक्सेलरेशन टाइम कर दूँ तो होगा क्या कि जैसे ही मैं रन का बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा तो 0 हर्ट्ज से लेकर के 50 हर्ट्ज तक पहुँचने में मोटर को सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। अभी जो यहाँ पे देखो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज पहुँचने में इसको काफ़ी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मोटर धीरे धीरे आपकी ऑन हो रही है। अगर मैं 1 सेकंड का टाइम डालता तो ये बहुत जल्दी 50 हर्ट्ज से पहुँच जाता, मतलब कि जो मोटर का जो मैक्सिमम RPM है वो बहुत जल्दी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर अंदर मोटर अपनी मैक्सिमम RPM तक पहुँच जाती। ये जो मोटर का जो RPM है वो 1440 RPM की ये मोटर है, ठीक है, तो ये बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर अपना मैक्सिमम RPM तक पहुँच जाती। ओके, तो मैं इसको करता हूँ फ़िलहाल ऑफ। उसके बाद अगर आपको कोई भी VFD के कनेक्शन या पैरामीटर्स सेट करने होते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होता है उसका मैनुअल, ठीक है, क्योंकि जब तक हम इसका मैनुअल चेक नहीं करेंगे तो हमको नहीं पता लगेगा कि उसके कनेक्शन और पैरामीटर किस तरीके से सेट करने हैं। हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के मॉडल के ऊपर अगर आप लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो फिर तो आप लोगों को जो बेसिक पैरामीटर्स हैं और कनेक्शन है वो सब कुछ याद रहते हैं, ठीक है, हमको भी रहते हैं। अगर हम लोग मान के चलो कोई सीमेंस का कोई पर्टिकुलर मॉडल हमारी कंपनी में लगा हुआ है और वो मैं सिर्फ उसी मॉडल के ऊपर काम करता हूँ, अगर वो ख़राब होती है तो मैं सेम मॉडल का दूसरा परचेज करता हूँ और उसको लगा देता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को पता रहता है उसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों को चेंज करने होते हैं वो हम लोग चेंज कर लेते हैं, वो हमको याद होते हैं। कनेक्शन मीन्स इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन नहीं, जो हम लोग कंट्रोलिंग के कनेक्शन करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो चीज़ें होती हैं। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोलिंग का आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, हालांकि मैं मैनुअल में भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो ये जो कंट्रोलिंग में जितने भी टर्मिनल्स होते हैं वो लगभग सभी VFDs में आपको सेम मिलेंगे। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं सीमेंस पे सीख रहा हूँ या फिर मित्सुबिशी पे सीख रहा हूँ, डेल्टा पे सीख रहा हूँ, तो मैं बाकी की जो VFDs हैं उनके ऊपर किस तरीके से उनकी कंट्रोलिंग और पैरामीटर्स सेट करूँगा। ये चीज़ें लगभग सभी VFDs में सेम होती हैं। आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं और किस तरीके से इनके कनेक्शन होते हैं। किसी भी एक VFD के ऊपर सीख लो, एक दो VFD के ऊपर सीख लो, आप लोग उसके बाद दूसरी VFD के ऊपर जब शिफ्ट हो गए या फिर दूसरी VFD जब आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग सिंपली उसका मैनुअल पढ़ दो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको इस VFD का मैनुअल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो इसके कनेक्शंस तो बिल्कुल प्रॉपर इसके कनेक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आप लोग इसके कनेक्शंस करोगे। बाकी मैं क्या काम करूँगा, ये जो इसका कटआउट है ना ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग इस टाइप की चीज़ें काफ़ी शेयर करते रहते हैं, तो सिंपली आप लोग वहाँ से इस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे देखो इसके जो कुछ टर्मिनल्स जो दिए हुए हैं आउटपुट में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे UVW, ये तो मोटर के टर्मिनल्स हैं आउटपुट के, और P+ और PB ये दो एक्स्ट्रा जो टर्मिनल हैं ये ब्रेकिंग के टर्मिनल्स हैं, आप लोग इसको ब्रेक के थ्रू भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे RS485 कम्युनिकेशन केबल की हेल्प से भी आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो PLC से। ओके, एंड यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स दिए हुए हैं जैसे कि एनालॉग एंड डिजिटल्स के लिए, एंड यहाँ पे 10 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा एनालॉग के लिए, ठीक है, वोल्टेज टाइप 0 टू 10 वोल्ट, एंड यहाँ पे करंट मिलेगा आपको 0 टू 20 मिली एम्प्स अगर आप एनालॉग में इसको कंट्रोल करना चाहते हो, मीन्स कि आप PLC में अगर आपको पता हो तो हम लोग एनालॉग एंड मतलब एनालॉग में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डिजिटल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हमारे जो एनालॉग आउटपुट्स हैं उनके लिए और जो डिजिटल आउटपुट्स हैं उनके लिए, ठीक है, तो आप लोग इसको एज अ एनालॉग आउटपुट भी इसको कंट्रोल कर सकते हो PLC से और एज अ डिजिटल आउटपुट भी इसको आप लोग PLC से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अगर मैं इसके बेसिक पैरामीटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो मोटर पैरामीटर्स में कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जैसे कि मोटर टाइप सेलेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा, कॉमन एसिंक्रोनस मोटर, तो इसकी सेटिंग आप लोग कर सकते हो, अगर आपके पास परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है तो वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मोटर की रेटिंग हमको अपनी VFD को देनी होती है कि भाई आपके मोटर की रेटिंग क्या है। ओके, एंड यहाँ पे मोटर का जो रेटेड वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे देना होता है,
मोटर का जो रेटेड करंट है वो आपको यहाँ पे डालना होता है, फ्रीक्वेंसी डालनी होती है अपने मोटर की, एंड मोटर का जो रोटेशन स्पीड है यानी कि आपकी मोटर का जो कितना मैक्सिमम आरपीएम है वो आपको यहाँ पे नेम प्लेट में मिलेगा मोटर के, तो वो आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। और नो लोड करंट यानी कि विदाउट लोड, अभी इस मोटर के ऊपर कोई भी लोड नहीं है, तो नो लोड करंट कितना होगा मोटर का वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो ये कुछ बेसिक से पैरामीटर्स होते हैं, और इन पैरामीटर्स को हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं वो आप लोग यहाँ पे देखो। मैं यहाँ पे सबसे पहले MCV ऑन करता हूँ, ठीक है। MCV ऑन करने के बाद VFD हमारी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। मैं यहाँ पे जाता हूँ पैरामीटर पे, तो ये पैरामीटर P0 है। मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, इसको करूँगा P1, ओके। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ P1, एंड P1 करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखो जीरो है, ठीक है, जीरो है। इसका मतलब यह है कि ये कॉमन एसिंक्रोनस मोटर है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन एंटर प्रेस करता हूँ, अब ये P101 आ गया। P101 का मतलब ये है कि ये रेटेड मोटर पावर, मोटर की पावर कितनी है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया भाई, यहाँ पे मैंने 0.4 किलोवाट डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को किलोवाट में रेटिंग डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0.4 किलोवाट डाला हुआ है, मेरी मोटर जो है वो हाफ HP की है, ओके। एंड उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, फिर आया P102, ठीक है। तो यहाँ पे P102 रेटेड मोटर वोल्टेज, मोटर का रेटेड वोल्टेज कितना डालना है, यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट डाला हुआ है, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं P103, तो P103 मोटर का जो रेटेड करंट है वो हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने 1 एम्पियर डाला हुआ है, ठीक है, 1 एम्पियर मैंने यहाँ पे मोटर का रेटेड करंट डाला हुआ है, हालांकि नेम प्लेट में 2 एम्पियर है। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा सेफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मोटर मैं चाहता हूँ कि भाई कोई लोड है नहीं मोटर के ऊपर, तो मैं यहाँ पे 1 एम्पियर में इसको डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे P104, ठीक है, P104 मोटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हो। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद P105 रेटेड मोटर रोटेशन स्पीड। अब मोटर का RPM कितना है, यहाँ पे मैंने 1440 डाला हुआ है, क्योंकि इस मोटर का जो RPM है वो 1440 है। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप लोग इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, इन दो बटन्स की हेल्प से। एंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद P106 नो लोड करंट पूछ रहे हैं। नो लोड करंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो नो लोड करंट हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं, या फिर रहने दो, नो लोड करंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग अपना जो पैरामीटर्स हैं इन पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। और कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, P017 यानी कि एक्सेलरेशन टाइम एंड डी एक्सेलरेशन टाइम, वो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं P0 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग डालते हैं 17, ओके। तो यहाँ पे मान के चलो हम लोग करते हैं 1, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं 17, ठीक है। उसके बाद एंटर करता हूँ, तो एक्सेलरेशन टाइम यहाँ पे 10 डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कम और, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको तो करता हूँ 0, एंड इसको करता हूँ मान के चलो 1, ओके। एंड एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करके एग्जिट हो जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पे मोटर को देखना कि मोटर आपका स्पीड कितनी जल्दी पकड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको 1 सेकंड लगा, बिल्कुल मतलब बहुत जल्दी मोटर जो है वो आपकी ऑन हो गई। स्टॉप करता हूँ, तो स्टॉप होने में देखो अब भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि हमने डी एक्सेलरेशन टाइम इसका कम नहीं किया, ठीक है। तो मोटर ऑफ होने में अब भी मोटर को उतना ही टाइम लग रहा है, और अभी मैं जब स्टार्ट करूँगा मोटर को, तो स्टार्टिंग टाइम देखना आप, मतलब एक्सेलरेशन टाइम देखना मोटर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ओके, मतलब काफ़ी कम होगा, सॉरी। यहाँ पर मैं अगर रन का बटन प्रेस करता हूँ, तो देखो मोटर कितनी जल्दी स्टार्ट हो गई। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अगेन यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, P0 एंड 17 पे मैं जाता हूँ। P0 यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, 17 नहीं 18 पे जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि डी एक्सेलरेशन टाइम भी हमको कम करना है। तो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं और एग्जिट होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं जब रन करूँगा तो मोटर अपना मैक्सिमम स्पीड पहुँचने में 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर मान के चलो मैं मोटर को ऑफ़ करता हूँ, तो ऑफ भी मोटर आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ओके।
तो देख रहे हो आप, यानी कि ऑन एंड यहाँ पे ऑफ, तो ये होता है एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम। तो इस तरीके से आप लोग जो कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं इनकी सेटिंग कर सकते हो। बाकी मैनुअल में ये जो आपका VFD है, इस VFD के अंदर आपको बहुत से फीचर्स मिलेंगे। बाकी इसके बारे में मैं कभी इन फ्यूचर जब वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो बाकी के पैरामीटर्स जो हैं वो मैं बाद में आपको सेट करना बताऊँगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आपके VFD से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों के कॉमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, और जब आप लोग वीडियो पे नीचे कमेंट करते हो हमें बताते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वो हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है। अगर आप लोग PLC प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ से आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।